हेलो गाइस, तो आज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं ये मजेस्टिक कासल, जिसके अंदर यहाँ पे यार खुद का थ्रोन भी है। तो यार फुल आपको राजा वाली वाइब्स आने वाली है। तो यार वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, हमको 50 के पहुंचना है बहुत ही जल्द। तो अब चलते हैं और देखते हैं यार ये कासल बनाते कैसे हैं। तो यार लेट्स गो। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे जो ब्लू प्रिंट है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, एंड ब्लू प्रिंट का जो भी डायमेंशन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना। ब्लू प्रिंट यहाँ पे क्रिएट करने के बाद में आपको आना है नीचे वाली साइड पे इस वाले कोने पे, एंड यहाँ पे जो हमारा सर्कल है, सर्कल के अंदर गाइस जो पांच ब्लॉक के बाद में जो हमने डायगोनल सिंगल सिंगल ब्लॉक यहाँ पे प्लेस किए हैं चार, आपको इनके ऊपर एंडेसाइट वाला ब्लॉक लेके पूरे 17 ब्लॉक का पिलर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ लगाना है, एंड बाकी बचे जो तीन है अपने सिंगल सिंगल ब्लॉक इसके ऊपर भी आपको सेम चीज करनी है। तो फटाफट से कर लेते हैं। अब जो हमारे साइड में यहाँ पे पांच पांच ब्लॉक की लाइंस बची है ना रेड वाली, इसके ऊपर आपको लेना है हमारा जो स्टोन ब्रिक वाला ब्लॉक होता है, एंड सेम आपको यहाँ पे रिपीट करना है प्रोसेस को, यानी कि 17 ब्लॉक का पिलर यहाँ पे हर एक ब्लॉक के ऊपर क्रिएट करना है। तो आपकी कुछ ऐसी वॉल बन जाएगी, सेम आपको वॉल रिपीट करनी है हमारी बाकी बची हुई तीनों साइड पे। तो फटाफट से कर लेते हैं। Eventually. तो गाइस चारों साइड पे यहाँ पे 17 स्टोन ब्रिक वाले ब्लॉक मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, और हमारा एक टावर ऐसा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो यार यहाँ पे टावर क्रिएट करने के बाद में अब जो सेम टावर है गाइस आपको रिपीट करना है यहाँ पे बाकी बचे हुए तीनों कोने पे जहाँ पे हमारे सर्कल बने हुए हैं। तो फटाफट से कर लेते हैं। 2000 years later. तो यार सभी के सभी टावर्स यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिए हैं, एंड आपको भी कुछ ऐसे यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पे इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे गाइस जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में फ्रंट वाली साइड पे दो यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर रखे हैं छोटे छोटे, आपको यहाँ पे जो तीन तीन ब्लॉक लगे हुए हैं रेड वाले इनके ऊपर 11 11 ब्लॉक्स आपको लगाने हैं स्टोन ब्रिक के। तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बेसिकली गाइज आपको यहाँ पे 11 11 ब्लॉक की जो वॉल्स होती है वो यहाँ पे क्रिएट करनी है, सेम आपको रिपीट करना है यहाँ पे तीनों साइड पे। तो बेसिकली यार एक छोटा यहाँ पे टावर हमने क्रिएट किया है 11 ब्लॉक का, सेम आपको रिपीट करना है इस वाले पूरे प्रोसेस को इस वाले सर्कल के ऊपर। तो फटाफट से कर लेते हैं। Eventually. तो हमारे दोनों टावर्स यहाँ पे बन चुके हैं छोटे वाले। तो इतना करने के बाद में अब आपको वापस से आपका स्टोन ब्रिक का यूज करना है, एंड जो हमारे यहाँ पे 7 7 ब्लॉक के जो यहाँ पे व्हाइट वाले ब्लॉक बचे हुए हैं ना आपको इनके ऊपर 8 ब्लॉक आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड बेसिकली गाइस आपको यहाँ पे 8 ब्लॉक की जो वॉल होती है वो यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो जितने भी व्हाइट वाले ब्लॉक्स हैं आपके सभी के ऊपर यहाँ पे 8 8 ब्लॉक आपको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे वॉल क्रिएट करने के बाद में सेम आपको 8 ब्लॉक की जो वॉल है वो यहाँ पे क्रिएट करनी है इस वाले कोने पे। तो दोनों साइड पे हमने यहाँ पे जो है 8 8 ब्लॉक की वॉल क्रिएट कर दी है। बीच में आपको यहाँ पे क्रिएट नहीं करना कुछ भी, यहाँ पे अपना गेट बनने वाला है अंदर जाने के लिए। अब आपको यहाँ पे अंदर आना है पीछे की साइड पे, और जो हमारे यहाँ पे जो जितने भी आपको व्हाइट वाले ब्लॉक दिख रहे हैं ना आपको सभी के ऊपर यहाँ पे 8 ब्लॉक की वॉल क्रिएट करनी है जैसे अपन ने यहाँ पे करी है। तो फटाफट से कर लेते हैं। ओके, तो गाइस हमारी सारी वॉल्स यहाँ पे बन चुकी है। अब आपको यहाँ पे फ्रंट वाली साइड पे आना है जहाँ पे हमारा एंट्रेंस है, और आपको लेना है यहाँ पे ब्लॉक ऑफ गोल्ड, एंड जो हमारे यहाँ पे 7 ब्लॉक बचे हुए हैं आपके व्हाइट वाले इसके ऊपर आपको यहाँ पे ब्लॉक ऑफ गोल्ड लगाना पड़ेगा। तो पूरे 7 ब्लॉक यहाँ पे प्लेस कर देना। ब्लॉक ऑफ गोल्ड के आगे आपको लगाना है यहाँ पे डीप स्लेट ब्रिक्स। तो पूरी 7 ब्लॉक लगाने आपको इस वाले ब्लॉक के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद में आपको लेनी है स्टोन ब्रिक, और साइड में यहाँ पे कोने पे आपको 6 ब्लॉक लगाने हैं दोनों साइड पे। तो 6 6 ब्लॉक लगाने के बाद में सेम आपको रिपीट करना है पीछे वाली साइड पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको इसके ऊपर यहाँ पे 3 ब्लॉक और एक्सटेंड करना है, सेम आपको यहाँ पे पीछे करना है 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद में गाइस आपको दोनों को यहाँ पे जोड़ना है, तो उसके लिए सिंपली यार 3 3 ब्लॉक यहाँ पे एक्सटेंड करते जाना, एंड दोनों को आपस में जोड़ देना। इतना करने के बाद में अब ऊपर जो भी यहाँ पे जगह बच गई है आपको यहाँ पे फिल करना है। तो बेसिकली आपको 3 3 ब्लॉक ऐसे लगाते जाना है आपके स्टोन ब्रिक वाले, एंड इस पूरे एरिया को आपको फिल करना है कुछ इस टाइप से। तो यार यहाँ पे सारा फिल करने के बाद में अब आपको सेम ब्लॉक का यूज करना है, एंड इस वाले कोने से आपको 3 ब्लॉक यहाँ पे एक्सटेंड करना है, एंड बेसिकली आपको यहाँ पे 3 3 ब्लॉक लगाते जाना है, एंड दोनों पिलर को आपस में जोड़ना है।
सो इतना करने के बाद में अब आपको यार कोने पे यहाँ पे दो ब्लॉक लगाने हैं, और दो ब्लॉक लगाने हैं आपको इस वाले कोने पे। इसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे अंदर आना है और आपके गोल्ड वाले ब्लॉक के ऊपर वाली साइड पे 5 ब्लॉक प्लेस करने हैं आपको यहाँ पे स्टोन ब्रिक के। उसके बाद दो कोने पे लगाने हैं सिंगल सिंगल। इसके बाद में आपको लेनी है यहाँ पे स्टोन ब्रिक की स्टेयर्स, और आपको यहाँ पे इन वाले ब्लॉक के ऊपर और नीचे सिंगल सिंगल प्लेस करनी है कुछ इस टाइप से। सेम करनी है आपको इस वाले ब्लॉक के साथ भी, तो सिंगल एक यहाँ पे लगाना और एक लगाना यहाँ पे नीचे, सेम करना पीछे वाली साइड पे यहाँ पे। तो आपका डोर बनना चाहिए कुछ इस टाइप का। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे अंदर आना है और इस वाले ब्लॉक के सामने वाले जो ब्लॉक है आपके 5 ब्लॉक आपको ये यहाँ पे रिमूव करने हैं। फिर लेनी है आपको नेदर ब्रिक फैंस और पूरी 5 आपको यहाँ पे प्लेस करनी है 1 2 3 4 5, एंड इसको यहाँ पे नीचे एक्सटेंड करना है 3 3 और, तो 1 2 3 ऐसे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा और सभी के सभी फैंस आपको एक्सटेंड करनी है। इसके बाद लेनी है आपको डीप स्लेट ब्रिक स्टेयर और यहाँ पे नीचे आपको 7 प्लेस करनी है। तो यार यहाँ पे स्टेयर लगाने के बाद में अब आपको वापस से यहाँ पे लेना है आपका डीप स्लेट ब्रिक वाला ब्लॉक, और आपको यहाँ पे जो आपका ये टावर था ना इसके साइड में सिंगल यहाँ प्लेस करना है, फिर आपको 2 यहाँ लगाने हैं, फिर एक ब्लॉक छोड़ के 2 यहाँ लगाने और पीछे सिंगल लगाना है। फिर लेनी है आपको डीप स्लेट वाली ब्रिक की स्टेयर और जितने ब्लॉक अपन ने यहाँ पे प्लेस किए उनके ऊपर सिंगल सिंगल कुछ इस टाइप से प्लेस करनी है, और बीच में यहाँ पे आपको लगानी है उल्टी करके। सेम आपको रिपीट करना है पैटर्न को यहाँ पे, तो कर लेते हैं फटाफट से। सिंगल लगाते हैं, फिर डबल, फिर एक छोड़ के डबल, फिर सिंगल, फिर सबके ऊपर आएगी स्टेयर और बीच में आएगी यहाँ पे उल्टी, ठीक है। सो इतना करने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे बीच में 3 ब्लॉक काउंट करने हैं, 1 2 एंड 3। 3 ब्लॉक काउंट करने के बाद में 4th वाले ब्लॉक को तोड़ना है और यहाँ पे प्लेस करना है आपको डीप स्लेट वाला ब्रिक वाला ब्लॉक। देन आपको वापस से एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे करना है और एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे करना है, सेम रिपीट करना है यहाँ पे। देन इसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे टॉप पे आना है और वापस से आपको कंटिन्यू करना है ये वाली साइकिल को, तो एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे प्लेस करते जाना कुछ इस टाइप से। सो यार यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करने के बाद में अब आपको लेनी है यहाँ पे सोल सॉइल और आपको इन दोनों ब्लॉक के बीच में यहाँ पे प्लेस करनी है। देन आपको लेना है यहाँ पे डार्क ओक का ट्रैप डोर, एंड बेसिकली गाइस आपको इसको पूरा कवर करना पड़ेगा। तो जितने भी आपकी यहाँ पे सॉइल यानी कि जो सिंगल सॉइल है उसको यहाँ पे आपको चार तरफ से कवर करनी है ट्रैप डोर से, एंड उसके बाद में आपको फ्लिंट एंड स्टील का यूज करके इसके ऊपर आग लगानी है। सेम रिपीट करेंगे प्रोसेस को यहाँ पे। अब इसके बाद में गाइस हल्का सा ट्रिकी पार्ट है, तो जैसे मैं करने वाला हूँ ना गाइस बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लेना वरना आपका पूरा लुक बिगड़ सकता है। तो गाइस अब आपको यहाँ पे लेनी है आपकी डीप स्लेट की ब्रिक स्टेयर्स और आपको यहाँ पे टॉप पे ना सिंगल सिंगल उल्टी करके ऐसे प्लेस करनी होगी। उसके बाद में एक ब्लॉक छोड़ के आपको यहाँ पे लगानी है, देन आपको साइड में यहाँ पे मुड़ के इस वाली स्टेयर के अंदर आपको स्टेयर लगानी पड़ेगी कुछ इस टाइप से। सेम करनी है आपको यहाँ पे। ऐसा करने से आपके यहाँ पे एक गैप बन जाएगा। सर यहाँ पे 3 स्टेयर लगाने के बाद में अब यहाँ पे लगानी है आपको सिंगल, उसके बाद वापस से आपको एक ब्लॉक छोड़ के बीच में लगानी है यहाँ पे, देन वापस से स्टेयर के अंदर आपको स्टेयर लगानी है दोनों साइड पे। इसके बाद सेम आपको रिपीट करना है प्रोसेस को। यहाँ पे आएगी आपकी सिंगल, उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे सिंगल, एंड वापस से स्टेयर के अंदर स्टेयर दोनों साइड पे, ठीक है, और लास्ट वाले दो के ऊपर सिंगल सिंगल कुछ इस टाइप से आएगी। तो आपका पूरा पैटर्न ऐसे बनना चाहिए, मतलब कि यार आपकी स्टेयर के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। तो यार यहाँ पे स्टेयर लगाने के बाद में अब आपको पीछे वाली साइड पे आना है, एंड वापस से आपको सेम यहाँ पे प्रोसेस को रिपीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 3 ब्लॉक लगा के इसको एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद में आपको लेनी है यहाँ पे स्टेयर, और जो हमने सामने काम किया था आपको सेम यहाँ पे रिपीट करना है, तो फटाफट से कर लेता हूँ। तो गाइस बहुत ही सिंपल सा काम है, ऐसे करके लगा लेना। तो इतना करने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे कोने पे सिंगल एक यहाँ पे प्लेस करनी है स्टेयर और एक यहाँ प्लेस करनी है, सेम रिपीट करना है प्रोसेस को यहाँ पे। सिंगल सिंगल 2 यहाँ पे लगा देना। तो गाइस यहाँ पे स्टेयर लगाने के बाद में अब आपको वापस से आपका ब्लॉक लेना है और आपको आपकी स्टेयर की फर्स्ट वाली स्टेयर के पास में आना है बेसिकली, और आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली स्टेयर के ऊपर 2 ब्लॉक लगाने हैं, फिर एक ब्लॉक छोड़ के 2 लगाने हैं। अब ये वाला प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करते जाना है। तो यार यहाँ पे डबल डबल ब्लॉक लगाने के बाद में अब आपको यहाँ पे साइड में मुड़ना है और इस वाले स्टेयर के ऊपर भी आपको 2 ब्लॉक लगाने हैं, फिर एक ब्लॉक छोड़ के 2 यहाँ पे, फिर एक ब्लॉक छोड़ के 2 यहाँ पे। सेम आपको रिपीट करना है पैटर्न को यहाँ पे। अब आपको लेनी है यहाँ पे वॉल और सिंगल सिंगल वॉल यहाँ पे प्लेस करनी है हर एक ब्लॉक के बीच में। इसके बाद आपको यहाँ पे अंदर आना है,
एंड जो यहाँ पे बड़े बड़े दो होल्स हैं आपको फिल करने पड़ेंगे इसको, तो इसका यूज करना है आपको स्प्रूस वाले प्लैंक का। एंड 3 यहाँ लगाना है बेसिकली आपको साइड साइड में इसके सिंगल सिंगल प्लैंक लगाना है, और बीच में जो होल बचा है आपको यहाँ पे लगाना है स्प्रूस का ट्रैप डोर कुछ इस टाइप से। सेम रिपीट करना है प्रोसेस को यहाँ पे। इसके बाद लेनी है कैंप फायर, और हर कोने पे आपको सिंगल सिंगल कैंप फायर लगानी होगी। इसके बाद लेना है आपको स्प्रूस का ट्रैप डोर एंड आपके कैंप फायर के साइड साइड में लगानी है, एंड बेसिकली इसको आपको क्लोज करना है। तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे डिजाइन बन जाएगा, जहाँ पे मतलब क्या ही बोलूँ मैं, धुआं निकल रहा है और तो क्या। सब इतना करने के बाद में आपको आपके गेट की साइड वाली वॉल पे आना है, और यहाँ पे गाइस आपको वापस लेना है आपका डीप स्लेट ब्रिक वाला ब्लॉक, एंड कोने से आपको ब्लॉक लगाने स्टार्ट करने हैं पूरे टॉप तक, पूरे 8 ब्लॉक लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद में इसको फॉलो करते जाना है आपको ऐसे दीवार से, एंड एक ऐसा एक फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। कोने पे आएगा सिंगल सिंगल ब्लॉक, और इनके नीचे आएगी आपकी दो दो स्टेयर्स कुछ इस टाइप से। इसके बाद लेनी है वापस से सेम स्टेयर, और नीचे जो अपन ने ये ब्लॉक लगाए थे आपको एक सिंगल स्टेयर यहाँ लगानी है और एक लगानी है यहाँ पे। सेम रिपीट करना है प्रोसेस यहाँ पे, सिंगल यहाँ पे और सिंगल यहाँ पे। इसके बाद लेनी है आपको स्लैब्स, और स्लैब आपको प्लेस करनी होगी जो भी जगह यहाँ पे बची है ना, हर जगह पे स्लैब लगा देना। इसके बाद आपको आना है आपके बीच वाले ब्लॉक पे, और यहाँ पे गाइस एक ब्लॉक छोड़ के ऊपर वाले दो ब्लॉक तोड़ने हैं, और इस वाले ब्लॉक पे लगानी है सिंगल आपको एक स्टेयर, और साइड में लगानी है इसके दो स्टेयर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सेम करना है ऊपर वाली साइड पे, तो एक सिंगल यहाँ लगाना और दो लगाना साइड में। कोने पे आएगी यहाँ पे आपकी वॉल, एंड वॉल के ऊपर लगाना है आपको स्प्रूस का फैंस, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और विंडो के अंदर भी दो लगाने हैं। टॉप पे लगानी है एक लांटेन। इतना करने के बाद में वापस से आपको स्टेयर लेनी है, एंड इस वाले ब्लॉक पे आपको यहाँ पे एक स्टेयर लगानी होगी उल्टी करके, फिर आपको एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ लगानी है, फिर वापस से एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे, और एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे लगानी है, तो टोटल आपको 4 लगानी होगी, ठीक है। इसके बाद वापस से ब्लॉक लेना है, और 3 ब्लॉक लगाने आपको स्टेयर के ऊपर, 1 2 3, फिर लगाने 2 सिंगल सिंगल, फिर वापस से 2 लगाने, फिर वापस से 3 लगाने, 1 2 एंड 3। इसके बाद में वापस से आपको स्टेयर लेनी है, एंड आपके नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर मतलब नीचे वाले ब्लॉक के साइड में आपको उल्टी करके वापस से स्टेयर लगानी है यहाँ पे पूरी 3, 1, 2 और 3। स्टेयर के ऊपर यहाँ पे वॉल आएगी सिंगल सिंगल, और जो बीच वाले दो ब्लॉक्स हैं आपको इनके ऊपर सिंगल सिंगल दो स्लैब लगानी है, तो पूरी विंडो आपकी ऐसी बननी चाहिए। तो यार यहाँ पे पूरी विंडो क्रिएट करने के बाद में अब सेम टू सेम विंडो गाइस आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी इस वाली साइड पे। तो यार फटाफट से कर लेते हैं, बस आपको सेम रिपीट ही करना है उसको, तो स्टार्ट करते हैं। तो सामने की विंडो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद में अब आपको साइड वाली विंडोज यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको साइड में आना है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, हमारा जो यहाँ पे सरफेस है साइड वाला यानी कि जो वॉल है वो काफी बड़ी है, तो गाइज यहाँ पे 3 विंडो बनने वाली है, सिंगल नहीं बनने वाली। तो साइड वाली विंडोज यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आपको वापस से ब्लॉक लेने हैं आपके डीप स्लेट ब्रिक वाले ब्लॉक, एंड कोने पे गाइज आपको 8 ब्लॉक लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम यहाँ पे रिपीट करना है प्रोसेस, इसको आपको एक्सटेंड करते हुए लेके आना है पूरा कोने तक, एंड वापस से लगाने इसके नीचे ब्लॉक्स। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे पूरे 5 ब्लॉक काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5, एंड 6th वाले ब्लॉक पे आपको वापस से डिवाइड करना है, तो सिंगल सिंगल ब्लॉक लगा के ऐसे डिवाइड कर देना है इसको। डिवाइड करने के बाद में गाइस आपको वापस से डिवाइड करना है एक बार, तो उसके लिए वापस से 5 ब्लॉक काउंट करना, 1 2 3 4 5, एंड 6th वाले ब्लॉक पे वापस से डिवाइड कर देना है इसको। तो आपकी 3 विंडो यहाँ पे बन जाएगी। अब काम बिल्कुल सेम है, कोने पे लगाने हैं सिंगल सिंगल ब्लॉक, फिर लेनी है आपको स्टेयर, और नीचे लगानी है आपको सिंगल सिंगल ऐसे दो करके, 4 स्टेयर यहाँ लगानी है, 4 यहाँ लगानी है, एंड 4 लगानी है यहाँ पे। इसके बाद में वापस से सेम प्रोसेस है, नीचे आपको कोने पे यहाँ पे सिंगल सिंगल स्टेयर लगानी है, बीच वाले पिलर के ऊपर आपको 3 बार स्टेयर लगानी पड़ेगी, तो एक साइड में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे साइड में। सेम रिपीट करना है यहाँ पे। इसके बाद लेनी है आपको स्लैब, और स्लैब आपको यहाँ पे प्लेस करनी है जो भी जगह रह गई है।
तो यार यहाँ पे स्लैब लगाने के बाद में अब आपको वापस से आपका स्टेयर लेके कोने पे टॉप पे आना है एंड वापस से सेम यहाँ पे रिपीट करना है प्रोसेस को। तो अपसाइड डाउन करके स्टेयर यहाँ लगानी है, फिर एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे अब ये सिलसिला कंटिन्यू करना है। तो एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे करते जाना है, ठीक है। तो सारी स्टेयर यहाँ पे लग चुकी है। इसके बाद वापस से सेम प्रोसेस, वापस से ब्लॉक लेने हैं और तीन ब्लॉक यहाँ लगाने हैं, फिर दो, फिर वापस से दो, फिर वापस से तीन, 1 2 3। और नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे बीच में लगानी है अपसाइड डाउन करके स्टेयर्स कुछ इस टाइप से। बीच में आएगी यहाँ पे वॉल और डबल डबल ब्लॉक वालों के ऊपर आएगी सिंगल सिंगल स्लैब। तीन लांटेन यहाँ पे लगा लेना एंड बीच वाली विंडो के अंदर एक ब्लॉक छोड़ के वापस से दो ब्लॉक तोड़ना है। नीचे लगानी है आपको स्टेयर, सेम करना है यहाँ पे ऊपर भी। साइड में आएगी यहाँ पे वॉल, इसके ऊपर लगानी है आपको स्प्रूस की फैंस यहाँ पे दो, और बीच में यहाँ पे दो लगानी है। तो यार मैं इस वाले कासल के अंदर सिंगल विंडो बना रहा हूँ, अगर आप चाहते हो यहाँ पे भी क्रिएट करना तो आप कर सकते हो। तो गाइस हमने यहाँ पे जो भी काम किया है अब आपको सेम टू सेम जो काम है वो रिपीट करना है इसके अपोजिट वाली साइड पे, जो कि करना है आपको यहाँ पे। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है काम को, तो फटाफट से करके मैं आपसे मिलता हूँ। ओके तो गाइज मैंने सेम टू सेम विंडो यहाँ पे रिपीट कर दी है। सो इतना करने के बाद में गाइज अब आपको पीछे वाली साइड पे आना है। जैसा कि यार हमने साइड वाली वॉल्स के ऊपर तीन तीन विंडो यहाँ पे क्रिएट करी थी, हमको यहाँ पे 5 क्रिएट करनी है। तो गाइज बिल्कुल सेम प्रोसेस है, तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपस से इसको डिवाइड करना है 5-5 ब्लॉक छोड़ के। डिवाइड करने के बाद में कोने पे लगाना है आपको सिंगल सिंगल ब्लॉक। ब्लॉक लगाने के बाद में वापस से स्टेयर लगानी है। इसके बाद में लेनी है आपको स्लैब्स और वापस से आपको यहाँ पे स्लैब लगानी है। तो स्लैब लगाने के बाद में गाइस अब प्रोसेस बिल्कुल सेम है ऊपर वाला, तो बस आपको स्टेयर लगानी है, फिर एक ब्लॉक छोड़ के स्टेयर लगाती जानी है। तो सिंगल सिंगल ब्लॉक छोड़ के लगाते जाना अपसाइड डाउन। स्टेयर के ऊपर लगाने हैं आपको फर्स्ट वाली के 3 ब्लॉक, उसके बाद लगाने हैं 2 बार डबल डबल, फिर वापस से ट्रिपल, फिर वापस डबल, ठीक है। मतलब ये वाला आपको प्रोसेस रिपीट करना है। कुछ इस टाइप से फिर वापस से स्टेयर लेनी है और नीचे वाले ब्लॉक के साइड में लगानी है आपको अपसाइड डाउन करके स्टेयर। स्टेयर के ऊपर आएगी यहाँ पे वॉल एंड वॉल के बाद में गई जो डबल वाले ब्लॉक थे उनके ऊपर सिंगल सिंगल स्लैब आएगी। इसके बाद में लेनी है लांटेन और आपको बीच में सिंगल सिंगल यहाँ प्लेस करनी है पूरी 5 लांटेन, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसी के साथ हमारी 5 विंडो बन चुकी है एंड इस बार यार हम लोगों ने यहाँ पे होल वोल नहीं किया है, अगर आप चाहते हो तो कर लेना, फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो गाइस हमारा सारी जो यहाँ पे वॉल्स थी सारी बन चुकी है एंड भाई क्या ही मजेस्टिक लुक यहाँ पे आ रहा है। अब आपको यहाँ पे इसके अंदर आना है एंड जो हमारी टावर्स थे ना आपको टावर के पास में आना है एंड आपको यहाँ पे पूरे 4 ब्लॉक रिमूव करने हैं, 1 2 3 4। सेम आपको ये वाले 4 ब्लॉक भी तोड़ने हैं और ये वाले 4 ब्लॉक भी तोड़ने हैं। इसके बाद लेनी है आपको स्टोन ब्रिक की स्टेयर और सिंगल सिंगल यहाँ प्लेस करनी है और बीच में लगानी है आपको स्टोन ब्रिक की स्लैब। अब ये वाला काम रिपीट करना है आपको तीनों टावर्स के साथ में, तो फटाफट से कर लेते हैं।
अब आपको आपके छोटे वाले टावर के पास पे आना है जो आपके एंट्रेंस के यहाँ पे है। एंड इसके ऊपर यार यहाँ पे बीच वाले ब्लॉक को आपको यहाँ पे चार ब्लॉक रिमूव करने हैं, 1, 2, 3, 4। एंड ऊपर वाले ब्लॉक के नीचे यहाँ पे लगानी है आपको स्टेयर। सेम रिपीट करना है आपको प्रोसेस को यहाँ पे। तो चार ब्लॉक यहाँ तोड़ते हैं, 1, 2, 3, 4। एंड एक लगाते हैं यहाँ पे स्टेयर। अब बेसिकली यार जितनी भी जमीन यहाँ पे आपको दिख रही है, इस पूरी जमीन के ऊपर एक एक ब्लॉक आपको गोल्ड का यहाँ पे प्लेस करना है। इसके अंदर भी प्लेस कर देना टावर के, छोटे वाले टावर के अंदर प्लेस कर देना और बड़े वाले टावर के अंदर भी प्लेस कर देना। तो बस आपको सिंगल सिंगल ब्लॉक लगाना पड़ेगा गोल्ड का। तो यार ये वाला काम करके मैं आपसे मिलता हूँ, बहुत सिंपल काम है। ओके, तो गाइस सारे के सारे गोल्ड ब्लॉक मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। एंड कसम से यार कितना टाइम लग गया इसको लगाते लगाते, भाई उंगलियां दुख गई, कितना सारा गोल्ड है भाई ये। तो यार इसी के साथ हमारा फ्लोर यहाँ पे बन चुका है। तो यार यहाँ पे पूरा गोल्ड का फ्लोर कंप्लीट करने के बाद में अब बारी है यहाँ पे जितने भी टावर्स हैं हमारे उनको यहाँ पे कंप्लीट करने की। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टावर के नीचे आना है। एंड बेसिकली यार जो यहाँ पे दो कोने हैं, आपको यहाँ पे दो डीप स्लेट ब्रिक वाले ब्लॉक लगाने होंगे। उसके बाद सामने आना है जहाँ पे आपके 5 ब्लॉक की वॉल है। एंड यहाँ पे कोने से यार आपको शुरुआत करनी है। एंड बेसिकली आपको 2 ब्लॉक यहाँ लगाने हैं, फिर 1 ब्लॉक छोड़ के 2 ब्लॉक वापस से, देन 1 ब्लॉक छोड़ के 2 ब्लॉक वापस से। उसके बाद कोने पे लगाने हैं सिंगल सिंगल, यहाँ पे आपको वापस रिपीट करना है डबल डबल ब्लॉक। तो डबल, फिर 1 ब्लॉक छोड़ के डबल, फिर वापस से 1 ब्लॉक छोड़ के डबल। उसके बाद कोने पे यहाँ पे सिंगल सिंगल। अब आपको यहाँ पे लेनी है आपकी स्टेयर और स्टेयर लगानी स्टार्ट करनी है इस वाले ब्लॉक के ऊपर से। तो एक सिंगल स्टेयर यहाँ लगानी है, उसके बाद यहाँ पे मुड़ के आपको यहाँ पे लगानी स्टार्ट करनी है सिंगल वाले ब्लॉक के ऊपर सिंगल। यहाँ पे डबल वाले ब्लॉक के ऊपर भी आपको यहाँ पे सिंगल सिंगल स्टेयर लगानी है। बेसिकली यार जो भी ब्लॉक अपन ने यहाँ पे प्लेस करे उसके ऊपर सिंगल सिंगल स्टेयर लगानी पड़ेगी आपको। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है और जो हमने यहाँ पे एक एक ब्लॉक का गैप दिया था इसके नीचे वाले ब्लॉक पे आपको यहाँ पे अपसाइड डाउन करके 2 स्टेयर लगानी है। सेम लगानी है आपको इस वाली साइड पे। इतना करने के बाद में आपको आना है इस वाले टावर के टॉप पे, देन आपको यहाँ पे कोने पे लगाना है सिंगल ब्लॉक, फिर लगाना है 1 ब्लॉक छोड़ के डबल, फिर वापस से सिंगल। कोने पे आएगा सिंगल सिंगल, फिर जैसे आपकी 5 ब्लॉक वाली साइड आएगी आपको वापस से सिंगल लगाना है, फिर डबल लगाना है, फिर सिंगल लगाना है, देन कोने पे सिंगल सिंगल रिपीट करना है। एंड 5 ब्लॉक वाली साइड पे वापस से सिंगल डबल फिर सिंगल। अभी आपको यहाँ पे रिपीट करते जाना है प्रोसेस को। यहाँ पे सिंगल आएगा, फिर डबल, फिर यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे कोने पे सिंगल सिंगल। तो ऐसा कुछ आपको पैटर्न यहाँ पे फॉर्म करना है और इन वाले ब्लॉक के नीचे आपको अपसाइड डाउन करके सिंगल सिंगल स्टेयर लगानी पड़ेगी। तो 5 आपको ऐसे लगानी है स्टेयर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद पूरा आपको फ्लिप मारना है एंड इस वाली साइड पे भी आपको 5 लगानी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 लगाने के बाद में वापस से फ्लिप मारना है आपको एंड रिपीट करना है प्रोसेस को। तो सेम यार जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है एग्जैक्ट यहाँ पे लगा लेना। अब यार यहाँ पे नीचे स्टेयर लगाने के बाद में अब जो अपन ने यहाँ पे सिंगल सिंगल ब्लॉक का गैप छोड़ा था आपको यहाँ पे भी यार अपसाइड डाउन करके स्टेयर लगानी है। तो हर साइड पे 2-2 आएगी है, तो 2 यहाँ पे आएगी, 2 यहाँ पे आएगी एंड 2 आपकी दोनों साइड पे यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। तो सारी स्टेयर यहाँ पे लगाने के बाद में अब वापस से आपको ब्लॉक लेना है एंड आपके इस वाले ब्लॉक के ऊपर इस बार आपको 2 ब्लॉक लगाने हैं। बीच में लगाना है सिंगल ब्लॉक, देन साइड में वापस से 2 ब्लॉक लगाने हैं और जो कोने वाले 2 ब्लॉक है डायगनल उसके ऊपर आपको सिंगल सिंगल लगाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा आपको एक क्राउन सा फॉर्म करना पड़ेगा आपके टावर के ऊपर। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे वॉल लेनी है और हमारे जितने भी गैप है यानी कि जितने भी हमारी बीच वाली स्टेयर थी आपको उसके ऊपर सिंगल सिंगल वॉल लगानी पड़ेगी। वॉल्स लगाने के बाद में अब आपको यहाँ पे स्लैब लेनी है और जो हमने सिंगल ब्लॉक यहाँ पे प्लेस किया था इसके ऊपर आपको सिंगल सिंगल स्लैब लगानी है। साइड में डायगनल जो अपन ने लगाए थे सिंगल सिंगल ब्लॉक इसके ऊपर भी आपको सिंगल सिंगल स्लैब लगानी पड़ेगी। तो इतना करने के बाद में अब आ रही है हमारे टावर के अंदर यहाँ पे 2 विंडो क्रिएट करने की। तो उसके लिए आपको आपके फ्रंट वाले साइड पे आना है टावर के एंड इस वाली स्टेयर के नीचे वाला ब्लॉक छोड़ के सेकंड वाले ब्लॉक से आपको यहाँ पे लगानी है एक सिंगल स्टेयर। इसके साइड में लगानी है सिंगल सिंगल 2, देन नीचे वाले 2 ब्लॉक तोड़ने हैं। उसके बाद आपको इसके नीचे लगानी है आपको अपसाइड डाउन करके 3 स्टेयर कुछ इस टाइप से।
तो यार यहाँ पे स्टेयर लगाने के बाद में कोने पे लगाना है आपको वॉल, इसके बाद लगानी है नेदर ब्रिक की फैंस यहाँ पे दो, और अंदर की साइड में भी आपको दो लगानी है। इसके बाद आपको साइड में यहाँ पे मुड़ना है एंड सेम यहाँ पे प्रोसेस रिपीट करना है। एंड विंडो के बाहर आपको यहाँ पे एक एक लांटेन भी प्लेस करनी है। तो यार यहाँ पे दो विंडो क्रिएट करने के बाद में अब आपको लेना है यहाँ पे स्प्रूस के प्लैंक और आपको टावर के टॉप पे आना है। एंड बेसिकली यार हमारे को यहाँ पे जो हमारा टावर है ना इसके ऊपर यहाँ पे फ्लोर क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारे स्प्रूस के प्लैंक का। तो बस अब आपको यहाँ पे ब्लॉक लगाते जाने हैं एंड एक ऐसी फ्लोर यहाँ पे क्रिएट करनी है एंड बीच में यार एक ब्लॉक यहाँ पे छोड़ देना। इतना करने के बाद में अब आपको लेनी है यहाँ पे आपकी जो कैंप फायर होती है और हर एक एंडेसाइट वाले ब्लॉक के ऊपर सिंगल सिंगल कैंप फायर यहाँ पे प्लेस करनी है। इसके बाद लेना है स्प्रूस का ट्रैप डोर एंड हमारी कैंप फायर को यहाँ पे कवर करना पड़ेगा दोनों साइड से। अब आपको लांटेन लेनी है और जितनी भी हमने यहाँ पे वॉल प्लेस करी थी इसके ऊपर सिंगल सिंगल लांटेन आपको प्लेस करनी होगी, तो हर साइड पे यहाँ पे दो आएगी, तो दो दो करके ऐसे प्लेस कर देना चारों साइड पे। तो यार इतना करने के बाद में जो भी काम हम लोगों ने यहाँ पे टावर के ऊपर किया है आपको वो सेम टू सेम जो वर्क है उसको रिपीट करना है बाकी बचे हुए टावर के ऊपर। तो ये वाला काम करके मैं आपसे फटाफट से मिलता हूँ, तब तक आप भी कर लेना।
ऑल राइट, तो गाइस सारे टावर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं एंड गाइस काफी टाइम लग गया इनको करते करते, पर कोई बात नहीं। तो भाई सारे टावर्स यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे इसके अंदर आना होगा। अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पे लेनी है आपका स्टोन ब्रिक वाला ब्लॉक एंड आपको इस वाले कोने पे आना है एंड यहाँ से गाइज आपको प्लेस करने स्टार्ट करने हैं पूरे 7 ब्लॉक। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7th वाले ब्लॉक से आपको इसको पूरा एक्सटेंड करना है पूरा पीछे तक इस वाली वॉल तक, ठीक है। इनको यहाँ पे अटैच करने के बाद में अब जो भी जगह यहाँ पे बच गई है नीचे आपको सारी यहाँ पे स्टोन ब्रिक वाले ब्लॉक लगा के यहाँ पे पूरी एक वॉल क्रिएट करनी है। तो फटाफट से कर लेते हैं। Eventually. तो यार यहाँ पे वॉल बनाने के बाद में अब आपको सेम वॉल क्रिएट करनी है इस वाली साइड पे। तो वापस से आपको इस वाले कोने पे आना है एंड सेम यहाँ पे जो प्रोसेस है वो रिपीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी दोनों साइड की यहाँ पे वॉल बन चुकी है। अब आपको बीच वाले सेक्शन के पीछे वाले पार्ट पे आना है और यहाँ से पूरे आपको 7 गोल्ड के ब्लॉक काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 ब्लॉक काउंट करने के बाद में 8th वाले ब्लॉक से ब्लॉक लगाने स्टार्ट करने हैं एंड बेसिकली इसको डिवाइड करना है आपको वापस से एंड एक यहाँ पे वॉल क्रिएट करनी है। तो इसी के साथ गाइस हमारी वॉल यहाँ पे बन चुकी है एंड उसके साथ साथ हमारा जो कासल है अंदर से पूरे 4 सेक्शन के अंदर यहाँ पे डिवाइड हो गया है। अब बारी है यहाँ पे इसका रूफ कम्प्लीट करने की। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपके पॉलिश डंडेसाइट वाले ब्लॉक का एंड ये वाला ब्लॉक लेके आपको आना है इस तरफ एंड यहाँ से आपको सिंगल सिंगल ब्लॉक लगाने स्टार्ट करने हैं एंड बेसिकली आपको आपकी जो रूफ होती है वो पूरी कम्प्लीट करनी है। तो यार बहुत ही सिंपल काम है, इसको लगाते जाना एंड पूरा कवर कर देना। 2000 years later. तो गाइस यहाँ पे जो है रूफ कंप्लीट करने के बाद में अब आपको आपके पीछे वाले टावर के पास में आना है एंड बेसिकली यार एक ब्लॉक छोड़ के सेकंड वाले ब्लॉक पे 3 ब्लॉक तोड़ने हैं। ऊपर लगानी है आपको स्टेयर एंड ये वाला ब्लॉक यहाँ पे रिमूव करके वापस से आपको जो आपके ये पॉलिश्ड एंडेसाइट वाले ब्लॉक होते हैं ये लेने हैं और एक पूरी फ्लोर यहाँ पे कम्प्लीट करनी है। तो यार यहाँ पे फ्लोर कंप्लीट करने के बाद में अब आपको पीछे मुड़ना है और यहाँ पे लगाना है आपको एक स्प्रूस का डोर। अब आपको यहाँ पे लेना है आपका लाइट ग्रे कंक्रीट एंड ऊपर वाले होल के पीछे वाले ब्लॉक से यहाँ पे आपको ये ब्लॉक लगाने स्टार्ट करने हैं और पूरा नीचे लेके आना है कुछ इस टाइप से। इसके सामने वाले ब्लॉक को तोड़ना है और 2 ब्लॉक साइड में लगा के इनको भी आपको ऊपर लेके जाना है। बीच में यार यहाँ पे जो जगह बची है यहाँ पे आएगी आपकी लैडर्स और यहाँ पे जो होल है इसको कवर करना है आपको एक ट्रैप डोर से जो कि होने वाला है अपना स्प्रूस का ट्रैप डोर। इतना करने के बाद में आपको वापस जाना है नीचे की साइड पे। नीचे आने के बाद में आपको साइड वाली वॉल पे आना है और मिडल वाले 2 ब्लॉक रिमूव करके यहाँ पे प्लेस करना है नेदर ब्रिक फेंस और एक विंडो यहाँ पे क्रिएट करनी है। विंडो फॉर्म करने के बाद में अब आपको टावर के नीचे वाली साइड पे जाना है एंड वापस से कॉन्क्रीट लेके आपको सेम यहाँ पे रिपीट करना है प्रोसेस को एंड वापस से लैडर यहाँ पे प्लेस करनी है। तो इतना करने के बाद में जो भी काम हमने इस वाले टावर के अंदर किया पीछे वाले पे वो आपको रिपीट करना है आपके पीछे वाले सेकंड टावर पे। तो पीछे के दोनों टावर कंप्लीट करने के बाद में अब आपको फ्रंट वाले टावर के पास में आना है एंड इस बार गाइस आपको यहाँ पे इस साइड पे एक ब्लॉक छोड़ के वापस से सेम काम करना है, 3 ब्लॉक तोड़ने हैं। देन पीछे मुड़ के लगाना है यहाँ पे एक डोर करने के बाद में यार जो भी हमने यहाँ पे काम किया सेम आपको रिपीट करना है उस वाले टावर पे। तो फटाफट से कर लेते हैं।
तो इसी के साथ हमारे सभी टावर्स यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। अब इतना करने के बाद में अब आपको आना है आपके टावर के नीचे वाली साइड पे, एंड बेसिकली गाइज हमको यहाँ पे डोर्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको वापस आपका स्प्रूस का डोर लेना है, एंड हमारे छोटे वाले यहाँ पे टावर थे ना आपको उसके अंदर सिंगल सिंगल स्प्रूस के डोर यहाँ पे फिट करने हैं, तो दोनों साइड पे कर लेना। तो यार यहाँ पे डोर फिट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लेना है आपका डीप स्लिट ब्रिक वाला ब्लॉक, एंड इस वाले कोने पे आना है। देन आपको यहाँ पे दो ब्लॉक छोड़ के थर्ड वाले ब्लॉक के ऊपर दो ब्लॉक प्लेस करने हैं, फिर वापस से दो ब्लॉक छोड़ के दो ब्लॉक यहाँ प्लेस करने हैं। इनके ऊपर आएगी यहाँ पे स्टेयर्स, स्टेयर के सामने वापस से दो ब्लॉक लगाने हैं, और इन वाले ब्लॉक के ऊपर वापस से दो स्टेयर लगानी है। बेसिकली आपको एक डोर का फ्रेम यहाँ पे क्रिएट करना है। देन आपको यहाँ पे अंदर के चार ब्लॉक रिमूव करके, चार ब्लॉक यहाँ पे रिमूव करने के बाद में अब पीछे वाली साइड पे आपको वापस यार सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट करना है प्रोसेस को। तो यार यहाँ पे सभी ब्लॉक लगाने के बाद में अब आपको वापस से स्प्रूस का डोर लेना है, और यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल दो प्लेस करने हैं। अब इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे वॉल लेनी है, और आपकी स्टेयर के सामने वाले ब्लॉक पे लगानी पड़ेगी आपको वॉल्स, एंड इसके नीचे आएगा आपका लांटेन। सेम करना है आपको यहाँ पे। तो जो हमने डोर यहाँ पे फॉर्म किया है अब आपको सेम डोर फॉर्म करना पड़ेगा इस वाले कोने पे, तो फटाफट से कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे दोनों साइड पे काम करने के बाद में अब आपको बड़ी वाली वॉल के पास में आना है कोने पे, एंड सेम आपको यहाँ पे डोर का फ्रेम बनाना है। देन आपको स्टेयर के साइड में लगानी है वॉल, वॉल के नीचे लांटेन, देन अंदर वाले चार ब्लॉक रिमूव करके यहाँ पे दो डोर लगाने हैं। एंड यार यहाँ पे इस वाली साइड के अंदर आपको पीछे रिपीट नहीं करना है प्रोसेस को, बस आपको यहाँ पे एक बार ही क्रिएट करना है। तो यार यहाँ पे बनाने के बाद में अब आपको सेम टू सेम जो डोर का फ्रेम है वो इस वाले कोने के अंदर रिपीट करना पड़ेगा, तो फटाफट से कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे सारे डोर्स कंप्लीट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे हॉपर लेना है, एंड हॉपर लेके आपको इस वाले कोने पे आना है। इसके बाद में गाइज आपको कोने से यहाँ पे चार ब्लॉक काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4। इसके बाद में यार फोर्थ वाले ब्लॉक से आपको तीन ब्लॉक और काउंट करने हैं, 1, 2 एंड 3। इसके बाद में गाइज आपको फोर्थ वाले ब्लॉक पे एक हॉपर यहाँ पे प्लेस करना है। हॉपर के नीचे आपको चेन लगानी है, एंड इसके नीचे लगानी है आपको एक लांटेन। अब जो ये सेम चीज है आपको रिपीट करनी है तीन तीन ब्लॉक छोड़ के। अब आपको सेम टू सेम यहाँ पे प्रोसेस रिपीट करना है इस वाले कोने पे। तो यार यहाँ पे लाइट्स लगाने के बाद में एंड टावर के एंट्रेंस के हर कोने पे आपको सिंगल सिंगल वॉल लगानी है, एंड इसके ऊपर लगानी है आपको लांटेन। सेम आपको रिपीट करना है तीनों साइड पे। Eventually. अब आपको आपके एंट्रेंस के ऊपर यहाँ पे जो आपके स्टोन ब्रिक वाले ब्लॉक्स है ये रिमूव करने हैं, एंड यहाँ पे प्लेस करना है आपको पॉलिश एंडेसाइट वाले ब्लॉक। तो यार यहाँ पे अंदर का सारा काम करने के बाद में अब बारी है यार हमारे कासल के अंदर यहाँ पे थ्रोन क्रिएट करने की। तो भाई यहाँ पे थ्रोन को कम्प्लीट करने के लिए आपको इस वाली वॉल के पास में आना है, एंड यहाँ पे आने के बाद में गाइज आपको एक ब्लॉक छोड़ के सेकंड वाले ब्लॉक से जो आपके पॉलिश ब्लैक स्टोन वाले ब्लॉक होते हैं वो आपको पूरे यहाँ पे चार प्लेस करने हैं, 1, 2, 3, 4। इसके बाद चार और लगाने हैं, फिर लगाने हैं आपको तीन, देन आपको दो बार चार चार यहाँ पे वापस से रिपीट करने हैं। इस वाले ब्लॉक पे आएगा आपका डायमंड का ब्लॉक, डायमंड के ब्लॉक के आगे आपको ब्लैक स्टोन की जो स्टेयर्स होती है वो आपको यहाँ पे तीन प्लेस करनी है। इसके बाद आपको डीप स्लेट वाली स्लैब लेनी है, और साइड में यहाँ पे सिंगल सिंगल प्लेस करनी होगी कुछ इस टाइप से। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पे लेनी है आपकी सोल सॉइल, और इस वाले कोने वाले ब्लॉक पे आपको पूरी यहाँ पे दो प्लेस करनी है। फिर एक ब्लॉक छोड़ के आपको लगानी है चार ब्लॉक, फिर वापस से एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे दो ब्लॉक लगाना है। इसके बाद लेना है नेदर रैक, और यहाँ पे तीन तीन ब्लॉक लगाने पड़ेंगे आपको सोल सॉइल के बीच में। अब आपको लेना है यहाँ पे डीप स्लेट वाला ब्लॉक, और यहाँ पे आपको तीन ब्लॉक प्लेस करने हैं कुछ इस टाइप से, और तीन ब्लॉक लगाने हैं आपको यहाँ पे। फिर ब्लैक स्टोन वाला ब्लॉक वापस से लेना है, और दो आपको सिंगल सिंगल इसके ऊपर लगाने हैं, और दो लगाने हैं इसके ऊपर। इसके बाद लेनी है आपको पॉलिश ब्लैक स्टोन स्टेयर, और एक स्टेयर यहाँ प्लेस करनी है, और फिर लगानी है साइड में कुछ इस टाइप से। सेम रिपीट करना है यहाँ पे। इसके बाद लेनी है आपको यहाँ पे डीप स्लेट वाली स्टेयर, एंड इस वाले ब्लॉक के आगे आपको अपसाइड डाउन करके दो यहाँ पे प्लेस करनी है। पीछे यहाँ पे लगाने आपको तीन डायमंड के ब्लॉक, एंड इस वाले ब्लॉक पे लगानी है आपको प्रिज्मरीन की स्टेयर। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लेनी है वापस ये डीप स्लेट वाली स्टेयर, और आपको टॉप पे यहाँ पे तीन प्लेस करनी पड़ेगी
कुछ इस टाइप से। इतना करने के बाद में अब आपको लास्ट काम करना है, पीछे जो भी हमने यहाँ पे ब्लॉक प्लेस किया है उसके ऊपर आपको फ्लिंट एंड स्टील यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ गाइज हमारा यहाँ पे जो थ्रोन होता है वो बनके यहाँ पे रेडी है। और जो हमने यहाँ पे तीन स्टेयर प्लेस करी थी इसके सामने तीन आपको यहाँ पे रेड कार्पेट प्लेस करना है एंड इसको आपको एक्सटेंड करते जाना है पूरा पीछे तक, लास्ट वाले गोल्ड वाले ब्लॉक तक। ठीक है, राजा की आन बान शान में यार कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो यार अब जल्दी से यार जो लास्ट काम है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं एंड हमारे कासल को यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो गाइस अब आपको आपके कासल के टॉप पे आना है एंड आपको पीछे वाले टावर के पास में यहाँ पे आना है, इस वाले कोने पे। आप चाहो तो कोई भी ब्लॉक यहाँ पे ले सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए ये वाला ब्लॉक यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे पूरे ना 16 ब्लॉक काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ब्लॉक यहाँ पे काउंट करने के बाद में 16 ब्लॉक के सामने आपको 10 ब्लॉक और काउंट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ब्लॉक काउंट करने के बाद में 11th वाले ब्लॉक पे आपको यहाँ पे पॉलिश एंडेसाइट का ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करना है। वो वाले ब्लॉक्स हमने सिर्फ मेजरमेंट के लिए यहाँ पे यूज करे थे। यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करने के बाद में अब आपको उसके साइड में चार ब्लॉक और लगाने हैं, 1 2 3 4 और चार लगाने हैं आपको इस साइड पे, 1 2 3 4। इसके बाद में इसको आपको एक्सटेंड करना है सामने की तरफ और यहाँ पे आपको 8 ब्लॉक और प्लेस करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम आपको यहाँ पे रिपीट करना है। अब आपको इन दोनों को यहाँ पे जोड़ना है एंड इस पूरे को यहाँ पे फिल करना है। अब आपको वापस से यार ये जो लेयर है ना इसके ऊपर आपको एक लेयर यहाँ पे और लगानी है सेम ब्लॉक की, तो फटाफट से कर लेते हैं। अब इसके बाद में गाइज आपको वापस से सेम ब्लॉक का यूज करते हुए इसके साइड साइड में आपको इसके बाउंड्री एक और क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे लेनी है पॉलिश्ड एंडेसाइट स्टेयर एंड आपको इस वाले ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे सिंगल सिंगल प्लेस करनी पड़ेगी कुछ इस तरह से एंड सेम आपको रिपीट करना है नीचे वाली साइड पे यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपकी पॉलिश बसाल्ट वाले ब्लॉक का एंड आपको यहाँ पे टॉप पे एक ब्लॉक छोड़ के साइड में जो इसके दो ब्लॉक्स हैं आपको यहाँ पे सिंगल सिंगल लगाने हैं। तो एक कोने वाला ब्लॉक छोड़ के साइड में डायगोनली यहाँ पे दो प्लेस करते जाना एंड इसके बाद में आपको ये हर एक ब्लॉक को 8-8 ब्लॉक आपको और एक्सटेंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद में सेम आपको यहाँ पे जो चीज है आपको सभी के साथ में करनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए हैं पूरे 9 ब्लॉक के। अब आपको यहाँ पे लेना है आपका डीप स्लेट ब्रिक वाला ब्लॉक और इन सभी के ऊपर आपको सिंगल सिंगल यहाँ पे प्लेस करना है। यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करने के बाद में इसके सामने आपको एक ब्लॉक लगाना है, देन आपको इसके साइड में 5 ब्लॉक लगाने हैं, 1 2 3 4 5, देन आपको इस वाले ब्लॉक को तोड़ना है। सेम आपको रिपीट करना है तीनों साइड पे। कुछ इस टाइप से। तो गाइस अब इतना करने के बाद में इसके आगे वाला जो पार्ट है हल्का सा यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है, तो जो भी मैं ब्लॉक्स यहाँ पे लगाने वाला हूँ ना तो गाइस डबल चेक कर लेना एक बार एंड अच्छे से समझ के यहाँ पे प्लेस करना, वरना हो सकता है कि आपका पूरा बिगड़ जाए। तो जैसे ही आप इतना यहाँ पे फॉर्म कर लोगे उसके बाद में आपको वापस से सेम ब्लॉक का यूज करते हुए मिडल वाले ब्लॉक के ऊपर आपको सिंगल ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करना है, देन इसके पीछे आपको 3 ब्लॉक लगाने हैं कुछ इस टाइप से। सेम चीज आपको रिपीट करनी है तीनों साइड पे, तो फटाफट से कर लेते हैं। अब वापस से आपको इस वाले ब्लॉक के ऊपर एक सिंगल ब्लॉक लगाना है, देन आपको इसके पीछे यहाँ पे 5 ब्लॉक लगाना है, यानी कि सिंगल लगा के दो साइड में और दो साइड पे यहाँ पे लगाने हैं। सेम आपको रिपीट करना है तीनों साइड पे। इतना करने के बाद में अब आपको वापस से यार मिडल वाले ब्लॉक पे सिंगल ब्लॉक यहाँ प्लेस करना है, उसके बाद इसके सामने आपको 3 ब्लॉक लगाने हैं, 1 2 एंड 3। सेम आपको रिपीट करना है तीनों साइड पे। अब आपको टॉप वाले पार्ट पे यहाँ पे मिडिल वाले ब्लॉक के ऊपर एक एक सिंगल ब्लॉक यहाँ पे सभी के ऊपर प्लेस करना होगा। उसके बाद बस आपको यहाँ पे ऐसे ब्लॉक लगाने हैं
एंड 3x3 का यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म करना है। सो इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे स्लैब लेनी है और आपको स्लैब लगानी स्टार्ट करनी है इस वाले ब्लॉक से। तो सिंगल सिंगल स्लैब आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ पूरी चार यहाँ पे प्लेस करनी होगी और सेम आपको रिपीट करना है इसके साइड में यहाँ पे। अब जो हमने यहाँ पे स्लैब लगाई है आपको सेम यहाँ पे रिपीट करनी है तीनों साइड पे। तो फटाफट से कर लेते हैं। अब आपको वापस से आपका डीप स्लेट ब्रिक वाला ब्लॉक लेना है और जो साइड में यहाँ पे सिंगल सिंगल ब्लॉक आपको दिख रहे हैं इसके नीचे आपको दो ब्लॉक और लगाने होंगे सिंगल सिंगल कुछ इस टाइप से। सेम आपको रिपीट करना होगा तीनों साइड पे। तो सिंगल सिंगल यहाँ पे प्लेस कर लेना इनके नीचे। इसके बाद आपको स्लैब लेनी है और आपको तीन स्लैब लगानी है यहाँ पे और एक सिंगल लगानी होगी इस वाले होल के ऊपर यहाँ पे। सेम रिपीट करना है तीनों साइड पे। अब आपको यहाँ पे लेनी है आपकी स्टोन ब्रिक वाली स्लैब। आपको इसके सामने यहाँ पे नीचे वाली साइड पे तीन स्लैब लगानी पड़ेगी। सेम आपको रिपीट करना है तीनों साइड पे। इतना करने के बाद में अब आपको सेम स्लैब का यूज करना है और आपके बसाल्ट वाले ब्लॉक के बीच में आपको यहाँ पे सिंगल स्लैब लगानी है और दो स्लैब लगानी है यहाँ पे सिंगल सिंगल। सेम रिपीट करना है आपको तीनों साइड पे। अब आपको यार एक टेम्पररी ब्लॉक लेना है और एक ब्लॉक आपको यहाँ पे प्लेस करना है और इसके नीचे आपको स्लैब लगानी है और इस वाले ब्लॉक को तोड़ना है। अब ये काम करना होगा आपको चारों साइड पे, ठीक है? तो फटाफट से कर लेते हैं। एक लास्ट बचा है भाई, फटाफट इसको भी लगाते हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई इसको समझाने में। तो भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद में अब आपको यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर के टॉप पे आना है एंड बेसिकली आपको लेनी है यहाँ पे स्टोन ब्रिक की स्टेयर और आपको चार यहाँ पे प्लेस करनी होगी कुछ इस टाइप से। बीच में लगाना है इसके डीप स्लेट ब्रिक वाला ब्लॉक एंड इसके ऊपर लगानी है आपको तीन वॉल। वॉल लगाने के बाद में इसके ऊपर लगानी है आपको चार नेदर ब्रिक की फैंस, तो 1, 2, 3, 4। तो अब यहाँ पे यार फैंस लगाने के बाद में आपको यहाँ पे रेड एंड ब्लैक वूल लेनी है। इसके बाद यार सेकंड वाली फैंस के साइड में यहाँ पे लगानी है ब्लैक वूल, फिर लगानी है इसके नीचे रेड वूल। तो इनके बाद सामने लगाना है एक टेम्पररी ब्लॉक, फिर आपको पीछे मुड़ना है और टॉप पे लगाना है इसके रेड वाला और नीचे लगाना है ब्लैक वाला। देन इस वाले ब्लॉक को तोड़ना है और एक टेम्पररी ब्लॉक लगाना है अब यहाँ पे। देन वापस पीछे मुड़ना है एंड वापस से लगाना है आपको रेड और फिर लगाना है ब्लैक। इसके बाद इस वाले ब्लॉक को तोड़ना, एक ब्लॉक लगाना है यहाँ पे नीचे वाली साइड पे एंड इसके आगे आएगी आपकी रेड, फिर आएगी यहाँ पे ब्लैक। देन इस वाले ब्लॉक को तोड़ लेना। तो भाई इसी के साथ होता है कंप्लीट हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा कासल। हमने यार थ्रोन ब्रोन सब बना दिया है एंड साथ में यार जो रूम्स थे हमने सब कुछ यहाँ पे क्रिएट करके पूरा डिजाइन कर दिया हमारे कासल को। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो यार इसके ऊपर जब भी आएगी ना तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं इसका पूरा इंटीरियर। तो हल्का सा वेट करो यार, जैसे यार मेरे पास में इंटीरियर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो मैं पूरा अपडेट कर दूंगा इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में।